भोपाल में नर्सिंग घोटाले, नीट पेपर लीक समेत अन्य परीक्षाओं में धांधली के विरोध में एनएसयूआई ने सोमवार को जबरदस्त प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता दोपहर में सीएम हाउस का घेराव करने निकले। एनएसयूआई के कार्यकर्ता पीसीसी के सामने एकत्रित हुए। यहां से नारेबाजी करते हुए एनएसयूआई के प्रदर्शनकारी सीएम हाउस का घेराव करने के लिए चल पड़े। कुछ कार्यकर्ताओं ने दौड़ लगा दी, पर पुलिस सतर्क थी। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले छोड़कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। बाद में कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार भी किया। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और उपनेता हेमंत कटारे ने नर्सिंग घोटाले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। देशवासियों, नर्सिंग के परिवार वालों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी हमारा छात्र संगठन लड़ रहा है। बीजेपी आंसू गैस छोड़ रही है, लाठी चार्ज कर रही है, वाटर कैनन कर रही है, लोगों को घायल कर रही है। ये मैसेज है कि बीजेपी कहती है प्रदेशवासियों आप हमें वोट दो, हम आपके बच्चों के भविष्य का गला रौंद देंगे। नर्सिंग हो, व्यापम हो, पटवारी हो, अलग अलग तरह की कितनी भी एग्जाम, पीएससी की, यूपीएससी, पीएससी की जितने भी घपले और घोटाले हो, सब बीजेपी कराती है और उन्हीं लोगों के बच्चों के गले घोटती है जिनने उनको वोट दिया। तो सोचो, समझो प्रदेशवासियों, देखो, जागो, बस यही अनुरोध। छात्र न्याय की गुहार लगाने सड़क पर उतरे थे, संवैधानिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि नर्सिंग घोटाले की जांच होनी चाहिए, तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को बर्खास्त किया जाना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए और छात्रों को न्याय मिलना चाहिए मध्य प्रदेश के। तो जो दोषी हैं उनको तो सरकार प्रोटेक्शन दे रही है मंत्री विश्वास सारंग जी की बात, और जो छात्र निर्दोष हैं उनके ऊपर इस प्रकार की प्रताड़ना हो रही है जैसे कि कोई अपराधी या टेररिस्ट घुस गए हों और पहले वाटर कैनन से उनके ऊपर प्रहार किए, उसके बाद भी जब छात्र नहीं माने तो आंसू गैस के गोले छोड़े और इस तरीके की प्रताड़ना यातना दी जा रही है जैसे छात्र मध्य प्रदेश के हैं ही नहीं। अभी तक इनसे वोट मांगने के लिए गिड़गिड़ाते थे, आज इन्हीं के ऊपर जो है वो इस प्रकार का प्रहार कर रहे हैं। मेरा सीधा प्रश्न है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि क्या वो इतने कमज़ोर हैं कि एक भ्रष्ट मंत्री के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे? क्या विश्वास सारंग उनके ऊपर भारी हैं भ्रष्टाचार के माध्यम से? उनको कार्रवाई करनी चाहिए और छात्रों को न्याय दिलाना चाहिए, सिर्फ मेरी इतनी मांग है। मध्य प्रदेश की सरकार ने आज जिस तरह से हमारे एनएसयूआई को, आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, इससे स्पष्ट हो गया कि मध्य प्रदेश की सरकार घोटालेबाजों के साथ है। जो घोटाले किया उन घोटालेबाजों को बचाने का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार को लाखों छात्रों की चिंता नहीं है, लाखों छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार को भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों की चिंता है। आज मध्य प्रदेश के लाखों छात्र परेशान है, उनका भविष्य अधर में अटका हुआ है, कई छात्रों के रिजल्ट नहीं आ रहे, कई छात्रों की परीक्षा नहीं हो रही और हमारा आंदोलन आज छात्र हितों में था और छात्र इसके लिए हम लगातार लड़ते रहेंगे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।